अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ तक कदार सभी का अस्सलाम वालेकुम। सो अभी मैं नाश्ता बनाने के लिए आ चुकी हूँ और 6:30 बज चुके हैं, देखिए आज 4:35 हो गए। सो मैंने सबसे पहले पानी चढ़ाना है सब चाय के लिए, आज है फ्राइडे, सो 1 बजे तक ऑफ होता है और इस तरह कुछ करते साथ में, फिर बच्चों का जो होता है ना आपको बात वगैरह और ये सब चीज़ें भी साथ चल रही होती। सभी हम जल्दी से पराठे भी बनाएंगे, मैंने कुछ और ऐसा सोचा नहीं, वरना लेट्स सी कि मेरे पास कुछ अवेलेबल है क्या। और मेरे पास जो है ना नूडल्स वगैरह भी नहीं है, सो वी जस्ट हैव टू डू दिस के अंडा पराठा बनाऊंगी बच्चों का भी ना, तो प्याज वगैरह ऐड करके इनके लिए अंडा पराठा बना लेंगे, वो बहुत शौक से खा लेते हैं, वहीं ले जाएंगे और अभी खाने के लिए तो पराठा ऑब्वियसली बनेगी। सो लेट स्टार्ट मेक द ब्रेकफास्ट। कोई बात नहीं, सो आई एम बैक एट होम और ये देखें स्टोव कितना डर्टी हो गया, इसको भी मैं इंशाल्लाह क्लीन करूंगी लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं कर सकता, आज बहुत सारे काम है, यहाँ बर्तन वॉश करने हैं। मैंने आते ही सबसे पहले एक काम किया, बच्चों के कपड़े स्कूल के वॉश किए, भिगो दिए, आज हमारे घर में आए हैं साग एंड पालक, सो इसको भी तैयार करना है मुझे, ठीक है, और पहले बर्तन धोते हैं और फिर हम खाना बनाते हैं। सो यहाँ पर मैंने कटिंग स्टार्ट कर दिया है, हमारा ये है साग, इट्स बेसिकली सरसों का साग और इसके ऊपर ये बकायदा प्रॉपर सरसों लगी हुई भी है। सो यहाँ पर मैंने ना पालक कह रही हूँ साग को चढ़ा दिया, इसमें 3 अदर हरी मिर्ची भी डाल दी है मैंने, और आप आवाज़ सुन सकते हैं कराची में आप हों ऐसी आवाज़ें ना सुने बैकग्राउंड में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैंने ये रख दिया, अभी बर्तन वगैरह वॉश करूँगी और कपड़े वगैरह धोती हूँ मैं जल्दी से, काफ़ी टाइम हो गया वॉशिंग की।
सो जल्दी से मेरा काम है। उसके बाद फिर मुझे क्या करना है कि पिज़्ज़ा डो तैयार करनी है फॉर द पिज़्ज़ा मेकिंग। सो कल उसमें लेके जाना है तो उसकी पिज़्ज़ा डो तैयार करेंगे। मिनी पिज़्ज़ाज आएंगे, 5 मिनी पिज़्ज़ाज। बच्चों की आप ख्वाहिशें देखें जो है, ग्रुपिंग करके और बाकायदा गर्ल्स ने ग्रुपिंग की है, डेंजू जा रही हैं तो उस हिसाब से चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने स्टोव क्लीन करना था लेकिन लैक ऑफ टाइम, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ करूँ, तो मैं सारी कुकिंग करने के बाद करूँगा। साग आपको पता है टाइम लेता है, तो मैंने इसको चढ़ा दिया। तो पानी मैंने इतना डाला है कि ये जब थोड़ा सा हो जाएगा तो ये फिर इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो पानी इतना मैंने डाल दिया है, अगर मुझे लगा कि थोड़ा बहुत कम है तो और ऐड कर देंगे, वरना ये अभी जब पकने लगेगी तो रिलीज़ कर ही देगा पानी थोड़ा सा और। सो देखते हैं, और मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। सबसे पहले मैंने आठ ही बर्तन वगैरह वॉश किए, अब मैं इनको रिमूव करती हूँ यहाँ से ताकि स्पेस हो जाए थोड़ी सी, और फिर हम अपनी मज़ीद कुकिंग है ना वो स्टार्ट करते हैं। पता है चीज़ें ऐसे हैं कि अच्छा, मैं मोस्टली जो है ना पिज़्ज़ा डो में एग यूज़ नहीं करती। बहुत से लोग जो पिज़्ज़ा डो में भी एग यूज़ कर लेते हैं फॉर बेटर राइजिंग, सो इट्स एन ऑप्शनल। बहुत सारे कुकिंग इस तरह भी होती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं बनाने। हम फिनिश होने के बाद अब टाइम आया है हमारा पिज़्ज़ा डो तैयार करने का। मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए हैं और साग भी हमने चढ़ा दिया है जो कि पकेगा, ठीक है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैदा मंगवाया था, बिग पाउडर का नहीं मिला था तो हस्बैंड ये वाला लेकर आ गए थे, ठीक है। ये भी मार्ट से ही मिला है और ये भी सही होता है, ये देख सकते हैं ये बड़ा फाइन होता है, ठीक है। तो मैं इसको एज इट इज़ ऐसे डाल दूँगी फिलहाल, वरना आप इसको छान के डाल लें तो बेहतर है कि आपको दोबारा निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि ये इन क्वांटिटी में 1 kg है तो इस जार में 1 kg तो पूरा नहीं आएगा। इसमें ऑलमोस्ट के 750 तक तकरीबन आ ही जाता है ना, इतना आ जाता है। तो मैं इसको फिल कर लूँगी और जो हम रेस्ट ओवर है ना वो इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको बार बार यूज़ करना मुश्किल होगा, तो इसको हम रख देते हैं और हम इससे ही यूज़ करेंगे। तो अब मुझे मिनी पिज़्ज़ाज बनाने, तो इस लिहाज से मैं फिर अब पिज़्ज़ाज बनाने के लिए इसको छान भी लूँगी और फिर हम ईस्ट, वेयर इज़ माई ईस्ट। सो ईस्ट की भी पहचान है अगर आप यूज़ करते रहते हैं और इस तरह के पैकेट में, क्योंकि ऑलमोस्ट हम इतना तो नहीं बना रहे होते कि एकदम में यूज़ हो जाए। तो आप अपनी जो ईस्ट का साची होता है उसको आप पिन करें, और आप उसको चेक कैसे करेंगे मैंने पहले भी आपको शायद बताया होगा। अगर आपकी ईस्ट जो है ना इस तरह से पैकेट में चिपक रही है, मतलब अटैच हो रही है लाइक दिस, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इस साइड पे अटैच हुई हुई है और यहाँ पर मैं करूँगी तो इस साइड पे भी, इट्स मीन कि इट्स एक्टिव, तो ये यूज़ हो सकती है, ख़राब नहीं है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसी तरह यूज़ करती हूँ। मैं इसको पैकेट में बंद करके इस तरह से, और फिर मैं एयर टाइट कंटेनर्स जो छोटे छोटे होते हैं ना जिसमें चॉकलेट चिप वगैरह आती है उसमें रख देती हूँ लॉक करके, तो ये कहीं भी नहीं जाती। सो ये थी आज की टिप। सो बनाते हैं हम मैदा ले लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर और अकॉर्डिंग टू योर जितना आपको बनाना हो पिज़्ज़ा उस हिसाब से ले लें। तो सो आई एम मेकिंग द मिनी पिज़्ज़ाज फॉर माई किडू 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 के उसमें लेके जाना है, और ऑब्वियसली मेरा बेटा भी घर पे होगा, वो भी खाएगा तो हम भी चख चुक लेंगे। सो हम इसको, आई थिंक इट्स इनफ, ये काफ़ी होगा तकरीबन, ये 1 कप से ज़्यादा ही होगा, तो इसको हम बना लेते हैं। तो ये राइस भी होगा ऑब्वियसली, तो हम ले रहे थे। सो ये हम इसकी डो तैयार करेंगे, और डो तैयार करने के लिए यू नो नाउ व्हाट वी डू, इसको आप छानेंगे और फिर तैयार करेंगे। मैं इसमें इतनी ईस्ट ऐड कर दूंगी, ठीक है, और देन इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे, और साथ ही हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़े से शुगर भी ऐड करेंगे। तो शुगर मैं आपके सामने ऐड करूँगी, फिर सॉल्ट ऐड करूँगी, मैंने इसको छाना नहीं है, ठीक है। पिंच नहीं, हाफ ऑफ टी स्पून के करीब शुगर ऐड कर लें, सॉल्ट ऐड करें, एंड ऑल्सो ऐड द लिटल बिट ऑफ ऑयल, ठीक है। सो इसको अच्छे से भून लेंगे, आप चाहें तो इसमें अंडा यूज़ कर सकते हैं। सो जी यहाँ पर ये देखेंगे ऑलमोस्ट इतना हो चुका है, और ये बस थोड़ा सा ही रह गया मज़ीद करने को, और इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही है ना वाकई में। तो इसको नीम पर रखते हैं, और चिकन आया था और द इसको मैं वॉश कर लेती हूँ,
ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, मैं फिर इसकी मैरिनेशन करने के लिए चढ़ा दूंगी, मैरिनेट करके रखूंगी थोड़ी सी देर के लिए, और तब तक हम डो को तैयार करेंगे, क्योंकि डोंट हैव इनफ टाइम, सो उसको करेंगे तैयार। सो मैंने इसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड किया, तो हमें जस्ट जो है ना इसकी मतलब फॉर मैरिनेशन तैयार करनी है फॉर द पिज़्ज़ा। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने डो आपके सामने उस वक्त निकाला था, उसके बाद मैंने इसको राइस होने के लिए छोड़ दिया, ये अपने डबल इन साइज़ हो चुकी है, ये देख सकते हैं। इसमें डो का जो होता है ना वो बिल्कुल राइज इन अप हो चुकी है, ये देख सकते हैं फॉर्म जो बनता है वो पूरा बन चुका है। सो अभी मैं क्या करूँगी कि मैं इसको फिर इसको बनने के लिए छोड़ूंगी, तो साथ ही मैं अपने मेरी पिज़्ज़ा के स्ट्रक्चर तैयार करूँगी, क्योंकि वो फिर से राइस होते हैं तो उसको भी आपने छोड़ना होता है। सो सबसे पहले हम बना लेते हैं, मैंने गार्लिक ऐड किया है, देन मैं ये इसके अंदर ऐड करूँगी, और मसाला आप टिक्का मसाला यूज़ कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में मैं बस जस्ट ये एट द एंड में ऐड कर दूँगी इसी चिकन में, और फिर हम जब उसके टॉपिंग करेंगे तो उसी में से ऐड करके इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बहुत इजी सी है, मैं बहुत दफ़ा पिज़्ज़ा बना चुकी थी, मैं पूरी रेसिपी नहीं दे रही, बस मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी क्योंकि, और यहाँ मेरा साग भी साथ साथ ही पक रहा है, तो बस वो भी साथ साथ चल रहा है। सो ये देखिए मैंने चिकन ऐड किया, और उसमें मैंने जो है ना मेरे पास जो लज़ानिया का छिल थी ना लास्ट टाइम, मैंने उसमें दोनों में मसाले निकल आए थे, और मेरा वाइट वाला सॉस नहीं निकली थी, तो मैंने वही वाला मसाला इसमें ऐड कर दिया, ताकि बहुत ही यम्मी का टेस्ट हो गया, बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बच्चों को बहुत अच्छा लगा था, तो मेरी बेटी ज़रूर शेयर करती है अपना लंच स्कूल में, तो इस वजह से मैं ये बना रही हूँ। तो गाइस ये आज मुझे ना साग में से मिला था, ये मैंने उसको वाटर में डाल दिया, अब जो इसको धूप लगेगी और पानी हम डालते रहेंगे तो बड़ा भी हो जाएगा और प्यारा भी हो जाएगा, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसको निकाल लेंगे, इस तरह से आप इसको नहीं कर देंगे, सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस। ये भी साथ से मेरा बन चुका है, ठीक है, ये देखिए सब बड़ा। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से आपके, अब अगर आपको ये साइज ज़्यादा छोटा लगे तो आप फिर या तो दूसरी तरह से कट कर लें, ठीक है। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ।
ठीक है, ये अगर आपको ज्यादा छोटे लगे तो आप उसको थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अभी कटिंग कर लूंगी सभी पिज्जास को। ठीक है, लाइक दिस। ये मुझे पाउडर फॉर्म में मैंने इसको रीफिल किया है, ठीक है, खत्म हो चुकी थी। सो आई एम नाउ इसकी हम बेस बना देंगे ऐसे। अभी आपको पता है कि राइजन अप हो जाएगा तो ये साइज में बिगर हो जाएगा थोड़ा सा। अब इसको मैं ऐसे फिल करके थोड़ी देर छोड़ दूंगी ताकि ये राइस भी हो जाए थोड़ा सा जो उसने होना है। ठीक है ऐसे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, बाकी मैं दोबारा से फिर से बनाती हूँ मज़ीद। और इसमें अब फिलिंग ऐड करती हूँ मैंने जो बनाई है। So here is the filling which I made it now. So इस तरह से आप इसमें ऐड करेंगे फिलिंग्स। ठीक है, मैंने जस्ट चिकन एंड जो है अनियन की फिलिंग की है क्योंकि बच्चे जो अपना हर एक फ्लेवर अलग होता है। तो उसने मुझे कहा था कि बहुत से बीच में कैप्सिकम्स नहीं खाना पसंद करते। सो आई एम नॉट मेड द कैप्सिकम वन। सो फिर मैंने ऐसे बना लिए ताकि ये बच्चे खा लेंगे आराम से। और मैंने पतीला भी प्री हीट के लिए रख लिया है ताकि वो हो जाए और हम इसको फाइनलाइज लुक दे देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें ये क्रीमी मेयोनीज का टेक्सचर लगाना है, ठीक है, इससे भी बहुत ही मज़ेदार सा इसकी लुक तैयार होती है। ठीक है, फिर ये अब आपके ऊपर होता है आप किस तरह का। अब हम इसमें एडम्स की चीज़ हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ इसका, क्योंकि मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं खुद घर पे मेक करूँ। तो आई एम यूजिंग दिस एडम चीज़। इस तरह से कर लेंगे। मैंने इसको करके नहीं रखा हुआ पहले से, अगर करके रख लेती तो बहुत आसानी हो जाती। लेकिन ये आप उस वक्त भी इसी वक्त कर लें तो भी हो जाती है, इजी हो जाती है। ठीक है, ये मैंने लास्ट मंथ में मंगवाई थी आई थिंक, और उसके बाद मैंने यूज नहीं की थी फॉर दिस। दिसंबर में मंगवाई थी और यूज नहीं की थी। केन को लेके जाने हैं और आपने इसको यहाँ से इस तरह से फैला भी देना है और यहाँ से इसको उठाना भी है, क्योंकि ये जब बेकिंग में जाएगा तो फिर ये यहाँ पर
जो है ना इसको ट्रे को ख़राब करेगी, उसमें बिल्कुल ये ना इसके साथ अटैच हो जाएगी, जिसकी वजह से ये बहुत ही बुरे रूप देगी। तो दिस इज द फाइनल लुक, और उसके ऊपर आप चाहें तो इस तरह से फॉर्सली ओरिगैनो पाउडर में फॉर्म में यूज़ करें, तो मैं इसको हल्का सा स्प्रिंकल कर दूंगी, और हल्का सा मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से लुक देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम इसको प्री हीटेड में ऐड कर देंगे, ठीक है। प्री हीटेड ट्रे में मैं ऐड करूँगी इसको लाइक दिस, ये देख सकते हैं आप। और जब ये बेक हो जाएंगे तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखा दूंगी कि कैसे लग रहे। सो लुक दिस फाइनल लुक, ये तैयार हो के इस तरह के लग रहे हैं, ठीक है। मैं बस इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ और ये मैं निकाल रही हूँ। सुबह में फिर मैं इनको जस्ट जो है ना बॉक्सेस में ऐड करके दे दूँगी, वो ले जाएंगी, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और मेरा भी बहुत ज़्यादा वो ना बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह से फरमाइश करते हैं और मैं पूरा कर पाती हूँ। सो यहाँ देखेंगे पिज़्ज़ास तैयार मैंने कर रही हैं कुछ, ऑलमोस्ट इट्स नाउ 6, ठीक है। तो जो है 7 हैं पता नहीं, आई थिंक लेके जाने इन्होंने, तो मैं उस हिसाब से मैंने कर लिए ताकि सुबह में फिर बस इसको हल्का सा हीट अप करेंगे और ये रेडी हो जाएंगे। सो यहाँ जो है ना ये वाला जो मैंने बनाया ना, ये तरह इसका ये काफ़ी पतला बन गया था, इसलिए ये थोड़ा ज़रा हार्ड हो गया, लेकिन इसको भी आप बाकी जो है ना ये देखें परफेक्ट बन गया। आपको भी देख के दिल चाहेगा कि आप भी पिज़्ज़ा खाएं।